रिलायंस आज इस इतनी बड़ी कंपनी को कौन चला रहा है? सिर्फ मुकेश अंबानी नहीं, ये कंपनी चल रही है 236,000 लोगों की वजह से, रिलायंस के एम्प्लॉयज की वजह से। क्योंकि कोई एक इंसान जितना मर्जी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो अकेले ना तो कोई छोटा बिजनेस चला सकता है और ना ही कोई बड़ी कंपनी। इनफैक्ट पता है, गूगल के फाउंडर्स के लिए भी टेक्निकल चीजें तो आसान थी, पर असली चैलेंज था लोगों से डील करना। ये देखो, मैनेजिंग पीपल एंड बीइंग इमोशनली सेंसिटिव and all the skills you learn in terms of communication and keeping people motivated. I think, you know, that's been a challenge and I've enjoyed learning that. But that's an important and a hard thing to learn. अब सोचो, लोगों से डील करना इतना चैलेंजिंग क्यों है? क्योंकि हमें बचपन से टॉप करने के बारे में सिखाया जाता है। 98% मार्क्स, 99% मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट किया जाता है। एंड टॉप करना अच्छी बात है, बट लोग ये नहीं सोचते कि टॉप करने के बाद या ये मार्क्स लाने के बाद वो रियलिटी में करेंगे क्या। जाहिर सी बात है, आप कोई ना कोई जॉब करोगे, कोई स्टार्टअप कर लोगे या फिर कोई बिजनेस, बट क्या इनमें से कोई भी काम आप जिंदगी भर अकेले कर सकते हो? नहीं ना। हमें हर एक चीज के लिए लोगों से डील करना पड़ता है, चाहे कुछ बेचने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए या फिर कोई भी काम करवाने के लिए। एंड अलग अलग तरह के लोगों से डील करना एक ऐसी स्किल है जिसको सीखे बिना बड़े से बड़ा टैलेंटेड इंसान भी लाइफ में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। एंड एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग इंसान एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा एम्प्लॉय जरूर बन सकता है, बट एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनने के लिए टेक्निकल स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये स्किल्स, ये टेक्निक्स हमें स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, बट आज इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 3 फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। फर्स्ट इज क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल। 7 मई 1931 के दिन सिर्फ एक इंसान की वजह से पूरे न्यूयॉर्क सिटी में तहलका मच गया। क्राउली नाम के खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 150 से भी ज्यादा पुलिसमैन और डिटेक्टिव न्यूयॉर्क की सड़कों पर उतर चुके थे। पुलिस को खबर मिली कि क्राउली वेस्ट एंड एवेन्यू पर मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड के अपार्टमेंट में छुपा है, और बिना वक्त जाया किए पुलिस ने इस अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया। उस अपार्टमेंट की छत से लेकर बाहर निकलने के हर एक रास्ते पर पुलिस मौजूद थी, और अपार्टमेंट के चारों तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स थी, हर बिल्डिंग की छत पर मशीन गन्स माउंट कर दी गई थी। फिर कुछ ही देर में ऐसी धुआंधार फायरिंग हुई कि न्यूयॉर्क की उन गलियों में 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक गोलियों की आवाज गूंज रही थी। पता नहीं कैसे, पर क्राउली भी लगातार पुलिस पर फायरिंग करते ही जा रहा था, बट फाइनली क्राउली पकड़ा गया। और इसके बाद पुलिस कमिश्नर मुलरोनी ने कुछ ऐसा कहा, मैंने न्यूयॉर्क के इतिहास में आज तक क्राउली से खतरनाक क्रिमिनल कभी इनकाउंटर नहीं किया था। रुको, जरा सोचो इस सीरियल किलर क्राउली की कहानी का इस वीडियो के टॉपिक से क्या लिंक है। जवाब इस बात में छुपा है कि पकड़े जाने के बाद क्राउली ने जिस तरीके से खुद को डिफेंड किया, आप, मैं और हम सब ज्यादातर कुछ ऐसा ही करते हैं। समझाता हूँ। देखो, क्राउली को जब समझ आ गया कि उसका बचना मुश्किल है, तो उसने पुलिस को एक लेटर लिखा। उस लेटर में लिखा था कि बाहर से मैं जैसा भी हूँ, बट मैं दिल से बहुत अच्छा हूँ और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। क्या लगता है आपको, क्राउली सच में ऐसा था? नहीं, क्योंकि इस इंसिडेंट से सिर्फ कुछ दिन पहले ही क्राउली कंट्री रोड पर अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। ये और इसके कुछ दोस्त एक गाड़ी में थे जब एक पुलिसमैन इनकी गाड़ी के पास आया और बस उसने इतना कहा, शो मी योर लाइसेंस। और इसके रिस्पॉन्स में बिना एक शब्द कहे क्राउली ने अपनी गन निकाली और सीधा उस पुलिसमैन को गोलियों से छल्ली कर डाला। इनफैक्ट उस पुलिसमैन की मरने के बाद भी वो लगातार गोलियां चलाता ही रहा। अब बताओ, क्या क्राउली ने उस लेटर में जो लिखा था वो सही था? नहीं। इस पूरी कहानी का पॉइंट ये है कि इतने खतरनाक सीरियल किलर ने भी कभी खुद की गलतियां माने ही नहीं, कभी खुद को किसी भी चीज के लिए ब्लेम ही नहीं किया। इनफैक्ट हर क्रिमिनल अपने क्राइम को एक मजबूरी बताता है। सबके पास अपने क्राइम को जस्टिफाई करने की कोई ना कोई वजह होती है। एंड पता है, ठीक यही होता है जब आप किसी भी इंसान को उसकी गलतियों के लिए क्रिटिसाइज करते हो। लोग कभी भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करते, बल्कि वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जब एक बड़े से बड़ा क्रिमिनल अपने क्राइम को जस्टिफाई कर सकता है और खुद को इनोसेंट बता सकता है, तो एक आम इंसान के लिए अपनी गलतियों को जस्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए नेवर क्रिटिसाइज एनीवन, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज फ्यूटाइल, इट्स वर्थलेस। लोग कभी भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते, एंड हम हमेशा अपने माइंड में खुद को जस्टिफाई ही करते रहते हैं। सेकंड, द डीपेस्ट अर्ज इन ह्यूमन नेचर।
इस पॉइंट को ध्यान से समझना। किसी भी इंसान से कोई काम करवाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, जवाब है जब वो इंसान उस काम को खुद करना चाहता हो, मतलब उसकी मर्जी। When he himself wants to do that work। कुछ समझदार लोग अब कहेंगे कि डरा के भी तो काम करवाया जा सकता है। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप किसी की कनपट्टी पर बंदूक रख दोगे तो वो ऑब्वियसली आपके सारे काम कर देगा, पर क्या आप खुद किसी को डरा कर काम करवाना चाहोगे? नहीं ना। इसलिए चलो बात करते हैं उस इकलौते तरीके के बारे में, द ह्यूमन वॉन्ट। नाउ टेल मी, व्हाट डू यू वॉन्ट? ऑलमोस्ट हर नॉर्मल एडल्ट की वॉन्ट्स होती हैं गुड हेल्थ, गुड फूड, गुड स्लीप, मनी टू बाय थिंग्स, लॉन्ग लाइफ, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, हैप्पी फैमिली। एंड अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई नॉर्मल वॉन्ट नहीं है, वो एक ऐसी वॉन्ट है जिसकी वजह से एप्पल आज एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया। इंडिया में लोग पागलों की तरह आईएएस की तैयारी करते हैं, कई एडल्ट्स गैंगस्टर बन जाते हैं, कई लोग करोड़ों का लोन लेकर कर्ज में डूब जाते हैं, और तो और दुनिया में जितना भी कॉम्पिटिशन आज है वो इसी एक वॉन्ट की वजह से। एंड दैट इज अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। हर कोई इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है, एंड इसका मतलब ये है कि अगर किसी काम को करने से एक इंसान को फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस मिलती है तो वो उस काम को जरूर करेगा। हर कोई इस फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस का भूखा होता है, बट अब सवाल ये है कि इम्पोर्टेंट फील कराने का तरीका क्या होता है? जवाब है ऑनेस्ट एप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। समझाता हूँ। बचपन में क्या आपको सैलरी मिलती थी? नहीं ना। बट अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते थे या बेटर परफॉर्म करते थे तो टीचर आपकी नोटबुक पर एक स्टार बना देता था, या फिर पूरी क्लास के बीच में आपकी तारीफ की जाती थी। इस मोमेंट पर आप अंदर से जो फील करते थे, दैट इज द पावर ऑफ ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। ये फीलिंग बहुत एडिक्टिव होती है। सो इसलिए अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो पहले आपको उस इंसान को ये फील करवाना होगा दैट ही और शी इज इम्पॉर्टेंट। एंड यहां मैं झूठी तारीफ की बात नहीं कर रहा, आपको दिल से उस इंसान के एफर्ट्स को अप्रिशिएट एंड इनकरेज करना चाहिए। थर्ड, बेट द हुक टू सूट द फिश। ये पॉइंट बहुत सिंपल है बट बहुत ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखो, मुझे मैंगोज बहुत पसंद है एंड शायद आपको भी होंगे, बट एक बात बताओ, जब आप किसी दिन फिशिंग पर जाओगे, मतलब मछली पकड़ने जाओगे, तो क्या आप हुक पर मैंगो लगाकर फिशिंग करोगे? नहीं ना। फिश पकड़ने के लिए आपको हुक पर वॉर्म्स या वही लगाना पड़ेगा जो मछलियों को पसंद है, मैंगो नहीं। जब ये चीज इतनी सिंपल है तो इस कॉमन सेंस को हम लोगों से डील करते वक्त क्यों नहीं यूज करते? एंड पता है, इस दुनिया में लोगों को अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस करने का कोई सबसे जबरदस्त तरीका है तो वो यही है, दैट व्हेन डीलिंग विद पीपल यू शुड टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। फॉर एग्जाम्पल, मेरा दोस्त अच्छी बॉडी बनाने के लिए कई सालों से जिम जा रहा था, एंड मुझे पता था कि जिम जाना एंड बॉडी बनाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पर मुझे उसकी एक आदत नहीं पसंद थी, वो ये कि मेरा दोस्त बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था। लेकिन मेरे हजारों बार मना करने के बाद भी उसने अपनी सिगरेट नहीं छोड़ी। बट एक दिन जब उसके ट्रेनर ने ये प्रूव कर दिया कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए उसे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, तो उसने उसी दिन सिगरेट पीना बंद कर दिया। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल को आप उस फिशिंग वाले रेफरेंस से लिंक करके एक बार दोबारा सुनो, आपको समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट को आप अपनी रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो दोस्तों, ये हाउ टू डील विद पीपल सीरीज की पहली वीडियो थी, एंड इस टॉपिक पर आगे भी कई वीडियोस आने वाली हैं। बट फिलहाल मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जो तीन पॉइंट्स कवर किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस बार इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।